हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सिन्नर से। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गोरखा शासन की जो स्थापना हुई थी कुमाऊं में, वो किसके द्वारा हुई थी? हर्षदेव जोशी के द्वारा, जिन्होंने क्या किया था, यहाँ की सारी राजनीतिक गतिविधियाँ नेपाल दरबार में पहुँचाई थी। और नेपाल दरबार में पहुँचा के सारी कमजोरियां जब नेपाल दरबार को या नेपाल के राजा को पता लग गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि गढ़वाल पे किस प्रकार इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे गोरखा शासन में, वो पढ़ेंगे हम कि नेपाल जो नेपाल या गोरखा शक्ति थी, गोरखा शक्ति ने किस प्रकार से गढ़वाल पे भी आक्रमण किया। तो सबसे पहले एक बार हम जरा मैप देख लेते हैं कि मैप में किस प्रकार से कौन कौन सी स्थितियां कहां पे बनती है ना। चलिए, किस प्रकार, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, और जो अब हम अगर इसमें राज्य बनाए, जो सॉरी जिले बनाए, तो जिले देखिए किस प्रकार है। इसमें ये आपका हरिद्वार जिला हो गया, ये आपका देहरादून जिला हो गया, पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, आपका टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ पे ये उधम सिंह नगर, देखिए यहाँ पे ये चंपावत, ये नैनीताल, ये अल्मोड़ा हो गया, और ये देखिए ये हो गया आपका हरिद्वार, ये हो गया आपका देहरादून, ये हो गया आपका उत्तरकाशी, ये आपका टिहरी, ये पौड़ी, ये रुद्रप्रयाग, ये चमोली, ये आपका बागेश्वर, ये आपका पिथौरागढ़, ये आपका अल्मोड़ा, ये आपका नैनीताल, ये उधम सिंह नगर, और ये आपका चंपावत हो गया। ठीक है, तो जब जो गोरखा आए थे, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बह रही है काली नदी, और ये इस क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र है नेपाल का, ये पूरा क्षेत्र नेपाल है। यहां से ये ऊपर पूरा ये चीन या तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत, और ये पूरा ही क्षेत्र किसके अंदर आता है, नेपाल के, सॉरी चीन के, ये चीन के क्षेत्र में आता है। तो देखो किस प्रकार से पहला जो आक्रमण हुआ था गोरखाओं ने किया था, दो तरफ से, एक किया था उन्होंने यहां से विसुंग क्षेत्र से, और दूसरा जो आक्रमण किया था उन्होंने वो किया था आपका इन्होंने यहां से सोर क्षेत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से आक्रमण हुआ था, और उन्होंने लास्ट में यहां पे अल्मोड़ा में इन्होंने चौमहल, जो चंद वंशों का या चंद राजाओं का जो महल होता था उस समय उसे चौमहल कहा जाता था, तो यहां पे इन्होंने चौमहल में आक्रमण किया और यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित किया। अब हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र की, कि गढ़वाल में उन्होंने कहाँ पे अपना आक्रमण किया और किस प्रकार आक्रमण किया। तो जो गढ़वाल में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था, तो पहला आक्रमण 1791 में, 1791 में जो प्रथम आक्रमण हुआ था, तो उस समय जो आपका परमार वंश था, परमार वंश की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे श्रीनगर में, यहाँ पे श्रीनगर में, ये तो हो गई राजधानी। और जो यहां पे राजा था वो था प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह यहां पे राजा था। देखिए ये प्रद्युमन शाह वही है जिसने अल्मोड़ा में प्रद्युमन चंद के नाम से भी शासन किया था। अब जब हम परमार वंश पढ़ेंगे या फिर हम चंद वंश पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हर्षदेव जोशी यहां से ललित शाह के दूसरे पुत्र को, ललित शाह के दूसरे पुत्र को प्रद्युमन शाह कहां ले गया था, अल्मोड़ा ले गया था, और अल्मोड़ा में उसने किस प्रकार से प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से शासन करवाया, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि पौड़ी के श्रीनगर में प्रद्युमन, जिस समय परमार वंश की राजधानी श्रीनगर में थी और यहां का राजा था प्रद्युमन शाह, तो यहां पे था। तो हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि हर्षदेव जोशी ने यहां पे गोरखाओं की फिर से सहायता की, और उन हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को
गढ़वाल पे आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। और यहाँ भी वही उठापटक चल रही थी, यहाँ पे भी राजनीतिक गतिविधियां ऐसी चल रही थी कि प्रद्युमन शाह और उनके भाई प्रताप शाह, जो उनके छोटे भाई थे प्रताप शाह, उनमें क्या चल रहा था, सत्ता को लेके अंदर से विद्रोह चल रहा था कि किस प्रकार से सत्ता को हथियाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहले यहां से, यहाँ पे कोटद्वार जगह पड़ती है, कोटद्वार से उन्होंने ऊपर गढ़वाल की ओर चढ़ाई की, और गढ़वाल की ओर चढ़ाई करके इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था उन्होंने लंगूरगढ़ के किले में, लंगूरगढ़ में सबसे पहले जो आक्रमण गोरखाओं का लंगूरगढ़ में था, और ये कोटद्वार के रास्ते आए थे। लंगूरगढ़ पड़ता आपके पूर्वी नयार के आसपास, ठीक है, पूर्वी नयार के आसपास का जो क्षेत्र था उसे लंगूरगढ़ कहा जाता है। तो ये भी एक 52 गढ़ों में एक गढ़ था। ठीक है दोस्त, अब देखिए इस समय क्या किया इन्होंने कि जो ये आक्रमण हुआ, इस समय गोरखा सेना का जो डट के सामना किया गढ़वाली सेना ने, बहुत ही ज्यादा डट के सामना किया था, तो इस समय इनको पीछे हटना पड़ा था, किसको, गोरखाओं को। गोरखा शक्ति को यहां पे पीछे हटना पड़ा था, किसी कारण, गढ़वाल की जो सेना थी उसके कारण इसको पीछे हटना पड़ा था। लेकिन पूरे साल भर इन्होंने क्या किया, यहाँ छोटे मोटे युद्ध करते रहे, जो छोटे मोटे क्षेत्रीय दल थे गोरखाओं के, वो यहाँ पे आक्रमण करते रहे। और जब आक्रमण करते रहे तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ जो आसपास के क्षेत्र थे इनमें लूटमार की, लूटमार करते 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 पूरा एक साल गुजर गया ऐसे। जब पूरा एक साल ऐसे गुजर गया तो देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में, यहाँ पे एक जगह पड़ती है सराण, सराण क्षेत्र कहाँ है, इधर, जिधर कौन से, सिरमौर राज्य, सिरमौर राज्य के सराण क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी उन्होंने लूटमार की। इसके बाद क्या हुआ, बात आती है 1792 की। 1792 में देखिए क्या हुआ कि इन लोगों को यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में जो इन्होंने अपना यहाँ पे एक अपना एक कैंप बना रखा था उसको छोड़ के जाना पड़ा। वो क्यों छोड़ के जाना पड़ा, इसका एक कारण है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि देखिए इन पे जो नेपाल है, नेपाल के जो काठमांडू, यहाँ पे जो राजा थे, कौन थे यहाँ पे जो राजा थे, ये यहाँ पे जो उनकी सेना थी, तो सेना में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था चीनी सेना का आक्रमण हुआ था। तो चीन की सेना ने नेपाल में आक्रमण किया था 1792 में। 1792 जो आक्रमण हुआ था उसके कारण मैं आपको बता देता हूं कि पहला देखो कारण क्या था। यहाँ पे जो लामा गुरु होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तिब्बत में, तिब्बत के लामा गुरु जो पांचवें लामा गुरु थे, पांचवें लामा गुरु थे वो थे लामजंग पालदेन यीशे। तो ये पांचवें लामा गुरु थे, जब इनकी हत्या हुई थी या इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसके बाद जो लामजंग पालदेन के जो छोटे भाई थे उन सब भाइयों में आपस में क्या हो गया, इनकी संपत्ति को लेके आपस में विद्रोह हो गया था। तो जो लामजंग के जो सबसे छोटे वाले भाई थे उन्होंने नेपाल की सहायता से उस सारे खजाने में अपना अधिकार स्थापित किया, और ये शर्त रखी थी नेपाल की सेना ने इनसे कि ये 15,000 प्रतिवर्ष किसको देंगे, नेपाल को देंगे। ठीक है, लेकिन 15,000 ये प्रतिवर्ष नेपाल को नहीं दे पाए, इसलिए नेपाल ने क्या किया, तिब्बत पे आक्रमण किया। और जो नेपाल ने जो तिब्बत पे जो आक्रमण किया था वो क्या था, 1791 में, कब, जब इन्होंने गढ़वाल पे भी आक्रमण किया था उसी दौरान इन्होंने तिब्बत पे भी आक्रमण किया। तो जब इन्होंने तिब्बत पे 1791 में आक्रमण किया तो गोरखाओं ने क्या किया, आसपास वहां पे बहुत लूटमार मचाई, और बहुत लूटमार मचाते हुए इन्होंने क्या किया, तिब्बत में एक बौद्ध मोनेस्ट्री है, बौद्ध मोनेस्ट्री जिसे ताशी इम्पियाओ में इन्होंने क्या किया, यहां पे भी तहस नहस किया बहुत ज्यादा। अब ये जो सूचना थी, ये सूचना मिली चीन की राजा को, और जब चीन के राजा ने ये चीजें देखी तो चीन के राजा ने क्या किया,
सीधा नेपाल पे आक्रमण किया, और नेपाल पे जो आक्रमण किया चीन की सेना ने, तो चीन की सेना ने जब आक्रमण किया नेपाल में, तो 7500 सैनिकों को भेज के काठमांडू के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सब में ही आक्रमण किया और उन सभी क्षेत्रों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अब ये सारी चीजें जब गोरखाओं को पता लगी जो यहाँ पे थे लंगूरगढ़ के आसपास के क्षेत्र में थे या अल्मोड़ा में थे, ये सारी ही जानकारियां जब गोरखाओं को पता लगी तो उन्होंने क्या किया, यहां का भी घेरा छोड़ दिया और यहां का भी घेरा छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, श्रीनगर का भी जो लंगूरगढ़ का क्षेत्र था वहां का भी घेरा छोड़ दिया, और जो यहाँ पे अल्मोड़ा में जो चौ महल में जो रह रहे थे वहां का भी घेरा छोड़ के उन्होंने क्या किया, अपने देश को बचाने की या अपने राज्य को बचाने की उन्होंने वो तक ले निकल गए, नेपाल के लिए निकल गए। तो फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब ये यहां से निकल गए, तो ये घटना कब की है, चीन ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1792 में, 1792 में चीन ने नेपाल पे आक्रमण किया था। तो ये दौरान था कि जब ये एक बार जो नेपाल ने या गोरखा सैनिकों ने पूरे उत्तराखंड को छोड़ दिया था, तो वो समय कौन सा था, 1792 का। 1792 में इन्होंने यहां से छोड़ा था, गढ़वाल क्षेत्र भी छोड़ा था, अल्मोड़ा क्षेत्र भी छोड़ा था। तो जो गढ़वाल क्षेत्र में जो राजा थे प्रद्युमन शाह, इन्होंने इनसे एक संधि की, और वो संधि कौन सी थी, देखिए 1792 में प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में संधि हुई थी, जिसे बोला जाता है लंगूरगढ़ की संधि। इस संधि में प्रद्युमन शाह पे इन्होंने 20,000 रुपया प्रतिवर्ष गोरखाओं को या नेपाल को देने का एक संधि बनाई थी इन्होंने, कि जिसमें प्रद्युमन शाह 20,000 प्रतिवर्ष नेपाल को देंगे। ठीक है, अब जब प्रद्युमन शाह पे इतनी आपद आ पड़ी थी कि हर छोटी चीजों में या हर कुछ दिनों बाद बार बार गोरखा क्या कर रहे थे, गढ़वाल पे आक्रमण किए जा रहे थे, तो इन सभी आक्रमणों से परेशान होके प्रद्युमन शाह ने ये संधि हस्ताक्षरित कर दी और गोरखाओं को बोला कि हम ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे पता है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे कमेंट में बताइए कि किस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके कोई सवाल होंगे तो वो बताइए हमें, इसमें अगर आपको कोई नई जानकारियां और चाहिए होंगी तो वो बताइए हमें, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको वो बताइए हमें, इस जो जानकारी है इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन सभी तक पहुंचाइए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी तक पहुंचाइए इस चीज को, और इसे लाइक भी करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल इस चैनल को। धन्यवाद।